कानपुर पुलिस यातायात माह मना रही है और यातायात माह की शुरुआत भी हो गई है। यातायात माह में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर ट्रैफिक लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के सभी बड़े पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। कार्यक्रम में बताया गया कि यातायात पुलिस एक माह तक अभियान चलाकर नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस के चलते मास्क लगाना भी अनिवार्य है, अतः मास्क न लगाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीट बेल्ट लगाना भी आवश्यक होगा। पूरे माह में शहर भर में यातायात नियमों के पालन के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। भले ही पुलिस यातायात माह मना रही है, लेकिन खुद वो यातायात नियमों का पालन करती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि कार्यक्रम में शिरकत करने आए सभी अधिकारियों के ड्राइवर खुद सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे। कार्यक्रम में आते समय अधिकारियों की मौजूदगी में उनके ड्राइवर खुद सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। इस बाबत जब ADG से पूछा गया तो वो बात घुमाते नजर आए और बचते हुए कहा कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके भी ड्राइवर सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाए। देखिए, ट्रैफिक माह नवंबर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो है मनाया जाता है, उसी क्रम में आज 1 नवंबर को जो है इसका आज ट्रैफिक माह का प्रारंभ किया गया है। जैसा हम सभी जानते हैं कि ट्रैफिक जो सिक्योरिटी है, मैनेजमेंट है, 4E, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी सर्विस को लेकर के जाते हैं, हमारी पूरी इम्फेसिस है, जिसके तहत एजुकेशन के तहत जगह जगह जाते हैं हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, जो है लोगों को जागरूक करेंगे। इसी के साथ साथ जैसा कि आप को हम अवगत भी कराएंगे, कानपुर नगर में औसतन पिछले कई वर्षों से लगभग प्रत्येक दिन लगभग 2 व्यक्ति की जो है किसी न किसी दुर्घटना में मृत्यु का औसत है। अभी SP ट्रैफिक ने बताया किसी वर्ष 800 के करीब, 800 से लेकर के 1000 लोगों की मृत्यु जो है ट्रैफिक के मिसमैनेजमेंट से दुर्घटना के कारण यहाँ कानपुर नगर में होती है।